नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगिड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में सम्राट अशोक के बारे में पूरा वर्णन कर लिया था। वैसे तो देखो, अगर सम्राट अशोक की बात की जाए तो एक या दो घंटे में सम्राट अशोक को ख़त्म नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब उनका दिन को ख़त्म नहीं कर सकते। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण थे वो सब चीज़ें हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ ली हैं। और आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। किसकी बात करेंगे? गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक होगा वो होगा हमारा समुद्रगुप्त। लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं गुप्त साम्राज्य की। कौन सा है? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक कौन सा होगा? समुद्रगुप्त। और यह आएगा देखो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। क्या रहेगा इसका काल? रहेगा जैसे मौर्य साम्राज्य का काल कितना था? 392 ईस्वी से 198 ईसा पूर्व है। ये क्या था? मौर्य साम्राज्य का काल था। अब देखो जो गुप्त साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की? स्थापना की बात करें किसकी? गुप्त साम्राज्य की। हमें केवल नाम याद रखना है, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, केवल और केवल नाम याद रखना है। स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। केवल और केवल हमें यही चीज़ याद रखनी है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। इसके बाद देखो गुप्त श्री गुप्त का पुत्र आएगा या उत्तराधिकारी घटोत्कच। कौन आएगा इसका उत्तराधिकारी? कौन बनेगा? घटोत्कच। प्रारंभ में दो शासक के बारे में यही जानकारी याद रखनी। पहली तो कौन सी की स्थापना कौन करी ही? श्री गुप्त को उत्तराधिकारी कौन बनो? घटोत्कच। एक अलावा जो प्रारंभ का दो शासक है उनका बारे में कुछ भी ध्यान में कौन रख लो। अब देखो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की। किसकी बात करेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम किसकी बात करेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे। इसका देखो जो शासन काल वो माना जाता है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। केवल और केवल तीन या चार बातें जो हमें याद रखनी है। अब देखो पहली बात तो क्या याद रखनी है कि घटोत्कच के बाद गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखो सबसे अच्छा काम इसने क्या किया, एक महत्वपूर्ण काम है जो इसने किया, इसने राजा बनते ही एक अलग संवत के निर्माण या फिर शुरुआत कर दी जिसको बोलते हैं गुप्त संवत। क्या बोलते हैं? गुप्त संवत। तो देखो पहली लाइन लिखो कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत की शुरुआत कब की? राजा कब बना था? 319 ईस्वी में। तो 319 से 320 ईस्वी प्रथम बात तो इसकी ये याद रखना। पहली बात तो क्या याद रखना, राजा बने और बनता साथ ही क्या शुरुआत करी? गुप्त संवत की। दूसरी बात देखो ये इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ। ये क्या था? प्रथम प्रतापी शासक था। कौन से वंश का? गुप्त वंश का प्रथम क्या था? प्रतापी शासक था। एक बात और याद रखेंगे, किसने लीछवी की राजकुमारी, एक साम्राज्य पड़ता लीछवी, लीछवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। क्या नाम उसका? कुमार देवी। लीछवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। कुमार देवी के साथ विवाह किया
और एक अंतिम बात और याद रखनी है, वो क्या है, किसने महाराजा धीराज की क्या की उपाधि, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और ये सबसे ऊंची उपाधि थी, सर्वोच्च उपाधि थी, क्या थी, सर्वोच्च उपाधि थी, यानी सबसे ऊंची उपाधि थी। तो आपा गुप्त साम्राज्य पढ़ो, कई बात याद रखनी है, प्रथम तीन बात कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन करी ही, श्री गुप्त ने करी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन करी, श्री गुप्त ने, क्यों ले की बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि गुप्त साम्राज्य सॉरी श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, घटोत्कच, ठीक है। और हमने तीसरी बात क्या पढ़ी फिर, चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा कि इसने शासक बनते ही सर्वप्रथम क्या की, गुप्त संवत की क्या की स्थापना की 319 से 320 ईस्वी में। दूसरी बात हमने क्या जानी कि ये इस वंश का क्या था, प्रथम प्रतापी शासक था, इस वंश का क्या था, प्रथम प्रतापी शासक था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसने लीछवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ क्या किया, विवाह किया, और इसने महाराजा धीराज की क्या की उपाधि ग्रहण की। प्रथम जो तीन शासक हैं उनके बारे में हम केवल इतना ही जानेंगे, स्थापना और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम जिक्र करेंगे समुद्रगुप्त का, जो कि साम्राज्य का इस वंश का क्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक है, जैसे अशोक था उस ठीक उसी प्रकार ये भी क्या गुप्त साम्राज्य का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक है। अब देखो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त थोड़ा समझेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। पहले तो इसका कार्यकाल देखते, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी, 335 से क्या है 375 ईस्वी। अब देखो अपने अपने समय में बहुत से राजा क्या हुए, महान हुए, उन्होंने अपने अपने समय में ऐसे कार्य किए जो हमेशा के लिए क्या हो गए, एक अमिट छाप छोड़कर चले गए। ठीक उसी प्रकार देखो समुद्रगुप्त क्या था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा प्रतापी क्या था, शासक था। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहता था जिसका क्या नाम था, हरिसेन। इसके दरबार में क्या रहता था, एक कवि रहता था, और कवि का क्या नाम था, हरिसेन। पहली बात ये याद रखनी है, क्या नाम था, हरिसेन। और हमने प्रथम अध्याय की शुरुआत की थी, उस वक्त हमने हरिसेन के बारे में पढ़ा था कि हरिसेन ने किसकी रचना की थी, याद करने की कोशिश करो, मैं आपको एक चलो मैं ही बता देता, हरिसेन ने किसकी रचना की थी, प्रयाग प्रस्तुति की। देखो किसकी रचना की इसने, प्रयाग प्रस्तुति। तो देखो इसके दरबार में एक कवि रहता था जिसका क्या नाम था, हरिसेन, और हरिसेन ने किसकी रचना की थी, प्रयाग प्रस्तुति की। तो इसमें प्रयाग प्रस्तुति जो पुस्तक है या फिर जो लेख है किसके बारे में जानकारी मिलती है, पूरी पूरी जो जानकारी है वो गुप्त साम्राज्य के बारे में मिलती है, और गुप्त साम्राज्य में किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और इसमें इसने क्या बताया है कि जो समुद्रगुप्त था वो कविराज था, कविराज की क्या दी है, उसे उपाधि दी गई है, और कविराज की उपाधि क्यों दी गई है, संगीत का ज्ञान रखने, गाने और बजाने के कारण तथा कवियों को आश्रय रखने के कारण, उसे क्या कहा गया है, कविराज कहा गया है, संगीत गुरु की भी क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। साथ में इसने क्या माना कि यह एक कूटनीतिज्ञ था तथा बहुत ही ज़्यादा बहुआयामी राजा था, क्या था, कूटनीतिज्ञ था, बहुआयामी राजा था, और बहुआयामी क्या था, राजा था, ठीक है। इसके बाद हमने इसने क्या माना कि इसने अश्वमेध क्या किया, ये किया, कौन सा ये किया, अश्वमेध ये किया। सारी की सारी जानकारी कहां से मिलती है हमें, प्रयाग प्रस्तुति से मिलती है। इसने कौन सा ये किया,
अश्वमेघ यज्ञ किया। फिर ये बताता है कि प्रारंभ में, प्रारंभ से लेकर अंत तक इसने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसने देखो आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। कितने शासकों को पराजित किया? आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। दक्षिणावर्त के किसने शासकों को पराजित किया? 12 शासकों को क्या किया? पराजित किया। और जो दक्षिणावर्त के 12 शासक थे उन्हें क्या कर दिया? ये वापस दे दिया। क्यों दिया? उनका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। इसने जो दक्षिणावर्त के 12 राजे थे वो क्या कर दिए? वापस कर दिए, शुद्र अनुकरण की नीति के कारण। ठीक है, दक्षिणावर्त के 12 राजे क्या कर दिए? वापस कर दिए। इसके अलावा इसने आठविकों को क्या किया? पराजित किया। आठविकों को भी क्या किया? पराजित किया। अब देखो इसके अलावा इसमें जानकारी मिलती है जो सीमांत के प्रदेश थे, मतलब सीमा के पास के जो प्रदेश थे, उसने किसकी गुलामी स्वीकार कर ली? समुद्रगुप्त की क्या कर ली? गुलामी स्वीकार कर ली। इसी पुस्तक से हमें पता चलता है कि जो पड़ोसी देश थे, जो पड़ोसी राज्य थे, और इसने भी समुद्रगुप्त से क्या करने की कोशिश की? मित्रता या फिर मैत्री संधि करने की क्या की? कोशिश की। ये सारी की सारी बातें हमें किसमें जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति के, प्रयाग परिस्थिति में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके अलावा बताया गया है कि समुद्रगुप्त नारद को क्या था? लज्जित करने वाला बताया गया है। नारद को क्या बताया गया है? लज्जित करने वाला भी बताया गया है। किसको? नारद को लज्जित करने वाला भी बताया गया है। दानी बताया गया है, लाखों गायों का दान करने वाला दानी बताया गया है। और एक अन्य अभिलेख मिलता, एरण अभिलेख। कौन सा? एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। और एरण अभिलेख में इसे क्या बताया गया है? पराक्रम तथा विजय बताया गया है। पराक्रम तथा विजय बताया। प्रयाग प्रश्न इसके अलावा क्या बताया गया है? इसे दानी कहा गया। क्या कहा गया है? दानी। किस कारण? लाखों गायों का दान देने के कारण इसे क्या कहा गया है? दानी कहा गया है। और नारद को क्या बताया गया है? लज्जित करने वाला बताया गया है। नारद को क्या बताया गया है? लज्जित करने वाला बताया गया है। यह सब के सब कहां पर है? समुद्रगुप्त के बारे में। कौन सी पुस्तक में? प्रयाग परिस्थिति में। तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं, समुद्रगुप्त को फिर से। समुद्रगुप्त, शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। ठीक है, पहली बात हमने क्या पढ़ी समुद्र के गुप्त के बारे में? यहां देखो पहले, इसके दरबार में, किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन रहता था? हरिसेन रहता था। कौन रहता था? हरिसेन रहता था। और हरिसेन ने किसकी रचना की? हरिसेन ने किसकी रचना की थी? प्रयाग परिस्थिति। हरिसेन ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? प्रयाग परिस्थिति की। क्या की थी? रचना की थी। अब थोड़ा जान लेते हैं प्रयाग परिस्थिति के बारे में। प्रयाग परिस्थिति वो इलाहाबाद में, ठीक है। जो प्रयाग परिस्थिति अभिलेख है वो कहां पर है? इलाहाबाद में, ठीक है। लेकिन वो नहीं, प्रयाग परिस्थिति में क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। प्रश्न आ सकता है कि प्रयाग परिस्थिति पर टिप्पणी लिखिए, या फिर प्रयाग परिस्थिति के बारे में कोई दो बिंदु बताइए, कुछ ही पूछ सकता है। तो देखो पहली बात तो प्रयाग परिस्थिति के बारे में क्या, किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में। तो लिखो इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और गुप्त वंश में भी कौन से? समुद्रगुप्त के बारे में। किसके? समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। दूसरी बात देखो, प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? दानी। क्या नाम दिया गया है? दानी। किस लिए? लाखों गायों का दान देने के कारण, लाखों गायों का दान देने के कारण इसे क्या कहा गया है? दानी। क्या कहा गया है? दानी। दूसरा क्या कहा गया है? कविराज। और क्या नाम दियो दूसरों? कविराज। क्या जानकारी भी कटे, सब पर्याप्त हो आपने प्रयाग परिस्थिति से, ठीक है। क्या नाम दियो गए? प्रयाग परिस्थिति में कविराज को गए। तीसरी बात ये बताई है, नारद को लज्जित करने वाला, नारद को लज्जित करने वाला, ठीक है। और क्या बताया गया है? अश्वमेघ यज्ञ। चलो ये आगे पढ़ेंगे, अश्वमेघ यज्ञ को आप छोड़ो, अश्वमेघ यज्ञ करने वाला ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुआयामी या फिर लिखो कुशल राजा, वीर योद्धा, कूटनीतिज्ञ तथा बहुआयामी राजा। किसे बताया गया है? समुद्रगुप्त को बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो लिखो कि इसमें समुद्रगुप्त की विजयों तथा चारित्रिक विशेषताओं की, चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? प्रयाग परिस्थिति में प्राप्त होती है। अरे सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ भी को याद करनो। समुद्रगुप्त समुद्र का दरबार में कौन रहते? अरिसेन। और अरिसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रयाग परिस्थिति। और प्रयाग परिस्थिति में क्या है, कौन सा वंश के बारे में जानकारी मिला है? सीधी सी बात है, गुप्त वंश। आप पढ़ रहे हैं गुप्त वंश, तो जानकारी क्या मिलेगी? गुप्त वंश की। और कह का दरबार में रहते? समुद्रगुप्त का। तो जानकारी भी क्या की प्राप्त होगी लाडो? समुद्रगुप्त के बारे में तो मिलेगी। तो समुद्रगुप्त के बारे में क्या मिला है? जानकारी मिला है। जो जो नाम दिया, कविराज कहो है, नारद को लज्जित करने वालों बताया गया है, दानी कहो गयो है, ठीक है। एक यह कही गई कि बहुत ज़्यादा वीर योद्धा हो, रणनीति बनाशक हो, कूटनीतिज्ञ को मतलब होगी अच्छी बोली रणनीति बनाशक हो, बहुआयामी मतलब दूर की सोचन हालो। ये सब की सब क्या के बारे में बताई गई है? आपने समुद्रगुप्त के बारे में बताई गई। कौन सी चीज़? ये सब चीज़। और क्या मिली? ये सब प्रयाग परिस्थिति में मिली, ठीक है। अब आप पढ़ांगा समुद्रगुप्त की विजय की प्रमुख विजय क्या। एक चीज और देखो, लिख ही लो कि जो नेपोलियन, सॉरी भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। किसे? समुद्रगुप्त को। डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। लिख लो ये चीज, आगे करवा दें कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा। फिर भी अगर नहीं याद है तो पहले से नोट कर लेना कि डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। बस चार पांच चीजें याद कर लिया करो जल्दी जल्दी, अगर नहीं याद करोगा तो देखो फिर तारे प्रॉब्लम हो जाएगी। और या मैं सोचो कोई ये चीज पूछी को नहीं कहा, कठे सब कुछ भी आ जाएगा राज्य तो मुंह करोगा मिणिकिया की माँ को सो कि गुरु जी यो कठे आगो बाद में एग्जाम में रहे हाथ कौन पकड़ सकूँ, कठे सा कुछ भी देश का है वो, ठीक है ना। तो अब देखो बात क्या की करांगा, समुद्रगुप्त की विजय के बारे में। क्या के बारे में बात करांगा? समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। तो हेडिंग डालो समुद्रगुप्त की विजय,
समुद्रगुप्त की विजय। अब तुम बताई ही कि जबरदस्ती वालों से काम करने लागो, तो देखो पहली बात का प्रारंभिक विजय, प्रारंभिक विजय। प्रारंभ क्या क्या, किसने नागवंश के दो शासकों क्या क्या पराजित किया, तो लिखो प्रारंभ क्या क्या, इसने नागवंश के दो शासकों को पराजित किया। और दो शासक का छोटा छोटा अपना आया गशा ने बण को के उठाओ हरा दिया। और अनाबाद में अगर सोचे वो हो अपन तो बहुत कुछ कर सका हम, और मैं के लिए देखो एक जबरदस्त अभियान शुरू कर दियो भारत ने जीतन को। तो आडेसा की क्यों है शुरुआत है, तो प्रारंभिक विजय की कौन सा वंश, नागवंश का कै शासकन आ रहा, दो शासकन के करा पराजित करा। अब देखो मैं तुम बताई कि आर्यावर्त के 9 शासकों को इसने क्या किया था, पराजित किया था, और दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था, 12 शासकों को पराजित किया था। तो एडिंग डालो आर्यावर्त पर विजय क्या है, ये तो प्रारंभिक विजय आ गई, अब लिखो आर्यावर्त पर विजय। आर्यावर्त पर विजय, जो आर्यावर्त था वो गंगा यमुना तथा दोआब का जो क्षेत्र था वो संयुक्त रूप से क्या कहलाता था, आर्यावर्त। तो लिखो गंगा यमुना तथा दोआब क्षेत्र, आगे भी आप पढ़ांगा दोआब क्षेत्र, दोआब जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ांगा शायद 10वीं क्लास में है, हाँ बारहवीं को नहीं, आप दिल्ली सल्तनत पढ़ा तो बैठा हुआ है दोआब क्षेत्र में करवर्दी वगैरह चार अभियान आमी ही मैं तमुन दिल्ली सल्तनत का। गंगा यमुना तथा दोआब क्षेत्र में क्या किया, सैन्य का अभियान चालू किया, प्रारंभ किया क्षेत्र में सैनिक अभियान किया, सैनिक अभियान शुरू किया। और ये सैनिक अभियान कितने भागों में हुआ, 2 भागों में, ये सैनिक अभियान 2 भागों में, कितने भागों में हुआ, 2 भागों में हुआ अभियान, 2 भागों में हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, 9 शासकों को पराजित कर दिया, 9 शासकों क्या क्या पराजित कर दिया, और जो 9 राज्य थे उसे क्या बना लिया अपने साम्राज्य की, एक महत्वपूर्ण नींव था वो बना लिया अपने साम्राज्य में, क्या कर लिया, मिला लिया, तथा इन 9 राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, किस में मना लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। अरे सीधी सी बात है, आप मैं कैसे छिन्ना झपटी करा या कैसे मार दाड़ करा, अपने वह चीज हाथ आ जाता, देश कहाँ गए, बिल्कुल ही कौन था, अपने 5 आदमी सागर राड हो जाए, बड़े को 10 को नोट पड़े रहो मिल जाए, जबरदस्ती बैंक छीन लिया था अपना, तो बह गए अधिकारी हो जाए, तो फिर भी 9 राज्य मिला तो क्या वापिस दे, कोई संधि वगैरह के बीच में कोनी। तो क्या याद रखना कि आर्यावर्त के 9 शासकों के साथ क्या होया,
नौ शासकों को इसने पराजित कर लिया, जो नौ राज्य थे उसे किस में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया था, इसने पराजित किया था। कितने शासकों को पराजित किया था, 12 शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। लेकिन जो शासक थे और जो राज्य जीते थे उसने क्या कर दिया, वापिस कर दिया। अरे क्यों कर दिया, राज्य पड़ता बहुत ज़्यादा दूर और प्रत्यक्ष रूप से शासन करना बड़े के हो संभव को नहीं हो, क्योंकि अगर यू कोई आपको उत्तराधिकारी रख तो उसके बिन में फूट पड़ जाती, या फिर और कोई वजह हो सके ही तो आंतरिक विद उत्पन्न हो सका हो और ऐसे सब सारा नुकसान करना तो समुद्रगुप्त नहीं तो समुद्रगुप्त आपको आधिपत्य स्थापित करने खातर बन राज्य जीत्या और एक उत्तराधिकारी के तौर पर जो राज्य है बनने वापस सौंप दिया और बन का बदलाम के ले लिया कर वगैरह और कुछ संधि थी जो कर ली कि ये चीज आने करनी पड़ेगी। तो जो 12 राज्य है वो वापस के कर दिया, बनने दे वापस सौंप दिया। क्षमा अनुग्रहण नीति के कारण, किसकी नीति के कारण, क्षमा अनुग्रहण नीति के कारण। ठीक है, 12 राज्य क्या कर दिए, वापस सौंप दिए। मैं पानी पी लेता हूँ। चलो देखो दक्षिणावर्त पर विजय, या दक्षिण पर विजय कर लो आप, तो देखो इस अभियान में समुद्रगुप्त ने दक्षिण के कितने राजाओं को पराजित किया, 12 राजाओं को। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। परंतु ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के कारण, क्या ग्रहण मोक्ष, इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, दूसरा नाम क्या है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के कारण क्या कर दिया, इसने अपने इस राज्य थे वो वापस कर दिए। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, एक बात छोटा नाम है लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा, तो ये लिखो परंतु ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के कारण ये राज्य इन्होंने वापस कर दिए, वापस कर दिए। चलो लिखो आठविको पर विजय, किस पर, आठविको, एक जाति थी मध्य भारत की, आठविको मध्य भारत में जाति निवास करती थी, क्या नाम था, आठविको। तो इसने आठविको को क्या किया, पराजित कर दिया, हरा दिया इसने। अब देखो आठविको पर विजय, मध्य भारत में आठविकों पर विजय प्राप्त की, आठविकों पर क्या की, विजय प्राप्त की। अब देखो उपयोग क्या चीज को घटना, क्योंकि जो सीमा का आसपास प्रदेश था, सीमांत प्रदेश जो गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक थे, अर्थात जिन पर प्रत्यक्ष रूप से, या एक तो वो राज्य थे जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से राजा का शासन था और एक जिसमें राजा का क्या था, शासन था, तो वो राज्य भी क्या कर गए, इसके अधीन था, उसने क्या कर ली, स्वीकार कर ली। अरे बह बढ़ गो इवन जिक्र लागे भाई, दक्षिण का 9 राज्य 12 राज्य भंडे भी पछाड़ पछाड़ मारे, आर्यावर्त का 9 राजा भंडे भी भाई घुमा घुमा खूब मारे, तो बन कभी होगी मड़ा, अगर आप भी युद्ध लड़ा तो अपन गड़े बक्सा को। अरे भाई 12 राज्य एक साथ मिलकर राजा बनने नहीं है राष्ट्र का,
नौ राजा नहीं है राज का, तो अपन के मारे हो, सॉरी अपन के करे हो बक्से थोड़ी को, तो भिड़ कब क्यों बेपैदा होगा बात से। और न्यू सोची कि आवर मारे वह सब लिया अपना चल चलना अगला कर मुख को ही गुंदा। और गया पगाम पड़गा महाराज ते ही हो मारा था सब कुछ करो दिखा मा अपमान हो ही गलती समुद्र रूप ने। फिर वो भी चक्रा पड़ गया बात की हो पूछो रहो के गए हो, बोले हो कुछ ही को नहीं मैं तारीख एक रहा दिन था स्वीकार करा मारसा को युद्ध वगैरह कौन करो मैं तो मान लियो पहले ते मारा के हो राजा हो। तो जो सीमांत के प्रदेश थे उसने भी क्या कर ली इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लिखो ये बात भी लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत प्रदेशों जो गणतंत्रात्मक थे और राजतंत्रात्मक भी दोनों थे, सीमांत प्रदेशों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बदले में क्या करने देने लगे कर देने लगे तथा बदले में कर देना क्या क्या स्वीकार किया बदले में कर देना स्वीकार किया। अब यह बात सिंह माता तो ठीक है जो विदेशी और पड़ोसी राजा भंडे बेरो पटे हुए समुद्रगुप्त लाग रहे है और आपका नहीं कौन बक्सा गाँव में नहीं ले है तो बे भी क्या करे हो याचिका करी कि मान के बना लेते मित्र बना ले और जो थे खोगा वो काम करने में के हाँ प्यार हाँ राज्य हाँ। तो देखो विदेशी तथा पड़ोसी राज्यों ने भी समुद्रगुप्त से मित्रता करनी चाहिए या मित्रता कर लिए कर लो मित्रता भय से विदेशी था पड़ोसी राज्य समुद्रगुप्त के भय से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए या मित्रता कर ली। ये तो क्या आगे समुद्रगुप्त के विजय के बारे में अरे बच्चों के सब कुछ ही तो हथिया लियो। अब देखो ये सब विजय करी विजय करना का तुरंत बाद में दिग्विजय हो अपने आप से कि भाई आप तो सारा बात ने जीत लिया। जो अपन रामायण देखा रामायण में जो घोड़ों को छोड़ गए श्री राम बहन बोले अश्वमेघ यज्ञ तो यो भी क्या करियो कि अश्वमेघ यज्ञ करियो। तो लिखो अश्वमेघ यज्ञ तो जो दिग्विजय की नीति थी उसको प्रारंभ या चालू रखने के लिए क्या क्या अश्वमेघ यज्ञ करवाया अपनी दिग्विजय के उपलक्ष में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया अब देखो आप पहली क्लास पढ़ी तो आप पढ़े हो सिक्कों से प्राप्त जानकारी और बैठे आप क्या पढ़े हो कि प्राप्त सिक्कों में एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को क्या दिखाया गया है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा एक सिक्के पर अश्वमेघ शब्द लिखा हुआ है यही था वो। तो अब जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई थी सिक्कों से प्राप्त हुई थी और हमने जाना था कि
जो जिस सिक्के पर वीणा बजाते दिखाया गया, तो उससे मैंने किस बात का अंदाजा लगाया कि क्या था? संगीत प्रेमी था, इसे संगीत का क्या था? ज्ञान था। और इसी कारण इसे किसकी उपाधि दी गई है लाडलो? कविराज की। क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। ठीक है ना? अब देखो ये सब हो गया तो इसका साम्राज्य भी देख लेते कहां से कहां तक था। तो समुद्रगुप्त का साम्राज्य या साम्राज्य विस्तार कहां तक था, तो अब इसका देखते हैं साम्राज्य विस्तार कहां से था। तो देखो कश्मीर, सिंध, पंजाब, उत्तरी पंजाब आ जाएगा, उत्तरी राजपूताना आ जाएगा, गुजरात से लेकर लगभग मध्य भारत तक था, या शेष संपूर्ण भारत वर्ष का क्या था? साम्राज्य था। तो समुद्रगुप्त का क्या आ जाएगा? साम्राज्य। देखो साम्राज्य विस्तार, अरे छोड़ो तुम्हें नाथ ही को नहीं हूँ, लगभग सगड़े ही कर लियो आए वैस गाँ, या भी मेरी या भी मेरी। तो देखो साम्राज्य विस्तार कटे से कटे था क्यों? तो देखो कश्मीर, कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी पंजाब, उत्तरी राजपूताना, मगध, गुजरात तथा शेष संपूर्ण भारत पर इसका क्या था? साम्राज्य था। ये किसका साम्राज्य था? समुद्रगुप्त का साम्राज्य। अब इसका मूल्यांकन कर लेते हैं जल्दी से, क्या कर लेते हैं? मूल्यांकन। वैसे मैं आपको बता ही देता हूं मूल्यांकन में कुछ खास नहीं है। समुद्रगुप्त का मूल्यांकन, अरे मूल्यांकन को मतलब यह है कि बारे में बताऊं अपन कि शोक के हो तो लाग रहे हो को नहीं कि भाई डेंजर हो, खतरनाक आदमी हो, छोटा तो नाथ ही हो जो खतरनाक, तो अपना आप ही हो। तो पहली लाइन मूल्यांकन में क्या लिखनी अपन कि एक कूटनीतिज्ञ थे, बहुआयामी तथा एक वीर योद्धा थे। लिख लो साथ साथ में क्या थे, क्यों गो खा लिया भाई। कूटनीतिज्ञ, कुशल योद्धा, और क्या थे? बहुआयामी थे। लिख लो एक चीज और, डॉक्टर स्मित ने इसे क्या कहा है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। डॉक्टर स्मित ने किसकी संज्ञा दी है? भारत के नेपोलियन की। साथ में लिखो ये क्या था? कविराज, लाखों गायों का दान देने, लाखों गायों का दान करने वाला, दानी। साथ में क्या था? नारद को लज्जित करने वाला, नारद को लज्जित करने वाला। ये सब किस में आ जाएंगे? इसके मूल्यांकन में आ जाएंगे। नारद को लज्जित करने वाला सब क्या इसके मूल्यांकन है। साथ में क्या दे? ये धर्मनिष्ठ था, अपने धर्म का पालन करने वाला था। ये सब क्या आ जाएंगे? जानकारी आ जाएंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आगे का जो चर्चा है, जो आगे की जो चर्चा वो हम आगे की क्लास में लगातार जारी रखेंगे। लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
तारीख बात बताओ पढ़ो हो जो समस्या क्या रही है, लाइक को बटन दबाना, क्लास में शेयर करना, मेरे आसपास बताना, कुछ हो थोड़ी है या थोड़ी है भाई ते कुछ लाइक कर दोगा तो तारा लाख डेढ़ लाख करोड़ डेढ़ करोड़ को घाट हो जाओ, मारो भी थोड़ा मनोबल उत्सव हो जा, कर दिया करो। हाँ बहुत शान आदमी कर दिया करो, जो नीचे बटन है गुट्ठो थम मसला रहे हो गुट्ठा उठ जान बंद दबा दिया करो, ठीक है। घर पर रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद साथियों।